सुप्रभात मेरे सभी साथियों को, आदरणीय प्राचार्य उपप्राचार्य महोदय, मेरे सभी साथी शिक्षक और प्यारे बच्चों, आज एकता दिवस के इस शुभ अवसर पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला है। जैसा आप यहां देख पा रहे होंगे, इस बच्चे के हाथ में एक तस्वीर है और एक छोटी बच्ची अभी यहां अपने विचार प्रस्तुत करके गई है। कौन है ये? जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई लोह पुरुष कहता है, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल कहता है, कोई वल्लभ भाई पटेल कहता है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नांदियाल में हुआ और अपने जन्म के पश्चात इनका लालन पालन इनके परिवार में और इनकी शिक्षा, जैसा कि इस बच्चे ने बताया, प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव से ही शुरू हुई। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। देखिए, मैट्रिक जिसे कक्षा 10वीं कहा जाता है, जिसे आज के बच्चे 15 से 16 वर्ष की आयु में पास कर लेते हैं। अब से लगभग 125 वर्ष पहले 125 वर्ष पहले लगभग 22 वर्ष की उम्र में पास करके इन्होंने आगे की परीक्षा के तैयारी शुरू की और बैरिस्टर बने। बैरिस्टर मतलब वकील। वकील बनने के बाद इन्होंने अलग अलग पदों पर राजनेता के रूप में कार्य किया। जैसा उस बच्चे ने बताया, मैं उसी में कुछ अपने शब्द जोड़ूंगा। ये अहमदाबाद के मेयर पद तक पहुंचे। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर इन्होंने कार्य किया। गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। गांधी जी के अनेक आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, चाहे वह दांडी मार्च हो, खेड़ा सत्याग्रह हो या बारडोली का सत्याग्रह जो कि जून 1928 में हुआ। क्या था वह? उस समय की जो अंग्रेजी प्रांतीय सरकारें थी, उन्होंने किसानों के ऊपर जो लगान लगाया जाता था उसमें 22% यानी 22% की वृद्धि कर दी थी। इन्होंने बहुत विरोध किया और इनके विरोध के चलते उस समय की सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने इतना जो आंदोलन किया था उसको कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन इनके अड़िग इरादों के सामने उस समय की सरकार को झुकना पड़ा, जिसके बाद वहां की जनता और खासकर महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। इनके ऐसे साहसिक कार्यों के चलते ही और इनके साथ हमारे देश के अनेक महान नेता, जो कि देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमेशा लड़ते रहे, उनके अथक प्रयासों के द्वारा 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, उस समय देश के सामने अनेक चुनौतियां मुंह पखारे खड़ी थी। जब अंग्रेज देश से बाहर गए तो देश को दो टुकड़ों में और लगभग 562 से ज्यादा देशी रियासतों के रूप में छोड़ गए। ये देशी रियासतें क्या थी? एक ऐसी राजशाही जो कि वर्षों से चले आ रहे राजा के परिवार थे, जो चाहे तो स्वतंत्र रूप से रह सकते थे भारत में, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी जानते हैं, उनकी कैबिनेट ने फैसला लिया कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें इन सारी रियासतों को इकट्ठा करना होगा। अगर इन्हें खुला छोड़ दिया गया तो ये भारत की सुरक्षा के लिए और अखंडता के लिए बाद में खतरा साबित होंगी। ये कोई आसान काम नहीं था। बहुत मुश्किलों को पार करते हुए, कई जगह सेना भेज करके कठोर अनुभव लेते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उस समय उन रियासतों को इकट्ठा करके एक अखंड भारत की नींव डाली गई। जिस कार्य के बाद, उस कार्य के बाद गांधी जी ने इन्हें लोह पुरुष कहकर संबोधित किया और इनका नाम पड़ गया लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अनेक समय पर इनके द्वारा अनेक साहसिक कार्य किए गए। इनका जीवन बहुत लंबा नहीं चला। 15 दिसंबर 1950 को इन्होंने अंतिम सांस ली।
लेकिन उससे पहले ये भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत कार्य कर चुके थे। समय बीतने पर 1991 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और समय बीता, नए नए विचार लोगों के मन में आए। ऐसा ही एक विचार आया इनकी एक मूर्ति बनाने के लिए, जिसे हम जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे पर केवड़िया में स्थित है और वो लगभग 182 मीटर ऊंची है, जिसे आप कह सकते हैं 600 फीट। वहां पर देखने के लिए, उनकी स्मारक को देखने के लिए जो उनकी मूर्ति बनाई गई है, उनके म्यूजियम को देखने के लिए, उनसे जुड़ी हुई चीजों को देखने के लिए करोड़ों की संख्या में पर्यटक हर वर्ष वहां पर पहुंचते हैं। और आज हम इनके जन्म दिवस को ही, आज इनकी 148वीं जयंती को ही, और प्रत्येक वर्ष कहिए एकता अखंडता दिवस के रूप में मना रहे हैं। और मैं ये चाहूंगा कि आप बच्चे भी इनके जीवन से और इनके जैसे अनेक महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लें और भारत की एकता व अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। अपने इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए, जय हिंद।